रेडमी नोट 11 डिवाइस के लिए पैरानॉइड एंड्रॉयड 14 का जो ऑफिशियल बीटा 3 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में इस रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैरानॉइड एंड्रॉयड 14 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बात कर लेते हैं पर होम स्क्रीन के साथ। सबसे पहले यहाँ पर थीम आइकन का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। वेदर विजर्ड्स एंड क्लॉक विजर्ड्स का ऑप्शन है। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है डार्क मोड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से पावर मेनू देखने को मिलता है। एंड ऐप ड्रॉयड की अगर बात करें कुछ इस तरह से ऐप ड्रॉयड भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर स्क्रॉलिंग एनिमेशन से काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगा एंड रैम मैनेजमेंट भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है। अबाउट फोन की अगर बात करें, ये जो अपडेट है एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर 5th of June 2024 का जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.19 कर्नेल के साथ। एंड Redmi Note 11 NFC दोनों के साथ ये जो अपडेट है यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड का जो फीचर से ऐड किया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एनेबल किया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से देखने को मिलता है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो शॉर्टकट है लॉक स्क्रीन के ऊपर, इसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर नाइट लाइट मोड देखने को मिल जाएगा, डार्क मोड का ऑप्शन है, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है यहाँ पर ऐड किया गया है। कनेक्टिविटी के साथ सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वॉल्टी, वाईफाई, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर स्कॉलिंग एनिमेशन जो इसमें काफ़ी सही है, प्लस रैम मैनेजमेंट भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड कुछ इस तरह से जो है पर वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई है, यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो फीचर से ऐड किया गया है। एंड वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से एनिमेशन भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन काफ़ी सही है। इवन यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप FM रेडियो की यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कैमरा टू पे के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ, हमने टेस्ट करके देखा है। बाकी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, अलग से आपको जी एप्स को इंस्टॉल नहीं करना होगा। यहाँ पर सही में जो स्मूथ UI का जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस रॉम के साथ। एनीवे यहाँ पर जेमिनी AI भी यहाँ पर काम कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है MIUI कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस, 1x, 2x का जो फीचर्स है अवेलेबल है। यहाँ पर HDR, AI कैमरा, डायनेमिक शॉट्स, सुपर मैक्रो मोड, टाइमर, वॉइस शटर, मोशन ट्रैकिंग, फोकस, ये सभी ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है, यहाँ पर फुल HD 30 FPS का ऑप्शन है। टेलीप्रॉम्प्टर, ऑडियो जूम, ये सभी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड एंड 50 MP पैनोरामा, ब्लॉग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो MIUI कैमरा भी यहाँ पर काम कर जाएगा। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन उसे यहाँ पर रन किया था। यहाँ पर जो है 3DMark के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ 4.53 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो 3DMark के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ जो है रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर 4.53 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। अगर बात करें पर Geekbench 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 374 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1395 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है काफ़ी सही है। प्लस Geekbench 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 414 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1458 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर भी जो है सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है काफ़ी सही है। तो डेफिनेटली जो Geekbench 6, Geekbench 5 एंड 3DMark के साथ जो है काफ़ी बढ़िया स्कोर देखने को मिल गया है। परफॉर्मेंस के साथ जो है काफ़ी सही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेपनेट भी पास हो जाएगा। गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ।
नेक्स्ट यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग एनिमेशन है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी इन्फॉर्मेशन, चार्जिंग कंट्रोल का जो फीचर्स है ऐड किया गया है, ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल, लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है। अगर आप लिमिट चार्जिंग में 80% सिलेक्ट करोगे तो डिवाइस जो है 80% होने के बाद और चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, सर्वर के ऊपर बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो लगभग जो है यहाँ पर 7 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। एंड बैटरी ड्रेन की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर 4% के आसपास जो है ओवरनाइट बैटरी ड्रेन को नोटिस किया है, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो बैटरी बैकअप आपको बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर गेशेस के साथ जो है क्विकली ओपन कैमरा का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर नेविगेशन मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, गेशेस नेविगेशन, 3-बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, 1-हैंडेड मोड का जो फीचर्स है यहाँ पर ऐड किया गया है। सिंपली 1-हैंडेड मोड को एनेबल करने के बाद नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करने के बाद जो है 1-हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर टैप टू चेक फोन का जो फीचर से ऐड किया गया है, डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, लिफ्ट टू चेक फोन का जो फीचर से काम कर जाएगा, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल का जो फीचर से ऐड किया गया है, क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, क्विकली यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पुल डाउन का जो फीचर से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। लोकेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमने नोटिस नहीं किया है। बाकी यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर को हमने यहाँ पर ऐड किया था एंड काफ़ी फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, कोई भी इशू को हमने नोटिस नहीं किया है। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक, लाइव कैप्शन, फ्लैश नोटिफिकेशन का जो फीचर से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट है उसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, प्लस लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन को शो कर सकते हो। यहाँ पर डायनेमिक क्लॉक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को चार्जिंग के टाइम यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एज लाइटिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है, लिफ्ट टू चेक फोन, डबल टैप टू चेक फोन, टैप टू चेक फोन एंड वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का जो फीचर से काम कर जाएगा, स्मार्ट पॉज का जो फीचर से ऐड किया गया है, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल कर सकते हो, MI साउंड एनहेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर पाओगे, अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, हाईफाई ऑडियो का जो फीचर से ऐड किया गया है, क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, स्पीकर में जो भी डस्ट वगैरह रहेगा रिमूव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, एनहेंस नोटिफिकेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर पैरानॉइड एंड्रॉयड 14 का जो बीटा 3 का जो अपडेट है जरूर से चेकआउट करके देखो, एंड Redmi Note 11 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके भी जरूर से चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।